तो गाइस अभी हम लोग 11,200 फीट की ऊंचाई पे हैं। ये रहे छोले भटूरे कुछ यहाँ पे जो कि हमें पड़ा है 150 का। गाइस ये मेरी बस है जिस बस से हम लोग जा रहे हैं। गाइस काफ़ी ज़्यादा ठंड है और ये देखिए बर्फ खुद मार पूरा ऐसी ऐसी है ठंडा है। तो हे गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे मस्त होंगे। तो गाइज एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सीधा मनाली से मैं आपको मतलब ये रिपोर्ट कर रहा हूँ और ये व्लॉग रोहतांग पास पे जाने के लिए मतलब कि पहला दिन है। यहाँ से बस स्टार्ट हुई है। रोहतांग पास ओपन हुआ है इस बार। ये जून का महीना है और फिलहाल यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। बर्फ़ देख सकते हैं पीछे, इन्हीं पहाड़ के ऊपर ही जाना है हम लोग को। और अभी जाम काफ़ी ज़्यादा लंबा लगा हुआ है, पूरी पीछे तक पूरी जाम ही जाम लगी पड़ी है। गाइस हम लोग टोटली 8000 एबव ग्राउंड लेवल के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। ये पहाड़ से यहाँ से सीधे हम लोग रोहतांग पास के लिए जा रहे हैं। ये रास्ता सिंगल वे है बट यहाँ पे दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं। ऊपर से जाना और आना एक ही तरफ से है। ऊपर से रोहतांग पास से पास होके जो अदर साइड अटल टनल साइड जो रास्ता है वो रास्ता अभी का फिलहाल बंद कर रखा गया है। गाइस कल गाड़ियाँ यहीं तक ही आई थी, इसके बाद नहीं गई थी गाड़ियाँ आगे ज़्यादा। अभी हमारे यहाँ पर पॉइंट है रुकेगी गाड़ियाँ और हम लोग भी यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ पे व्यूज़ का मज़ा लेंगे। यही हो पाएंगे गाइज़। यहाँ पे अभी रुका हूँ खाने पीने के लिए। फिलहाल ये रहा रेस्टोरेंट, यहाँ पे अभी मैंने छोले भटूरे मंगाए हैं और छोले भटूरे खाते हैं यहाँ पे, देखते हैं कैसा रहता है, क्या टेस्ट रहता है यहाँ पे। अभी यहाँ से 20 किलोमीटर ऑलमोस्ट 17-20 किलोमीटर के अराउंड ही रोहतांग पास यहाँ से है। तो गाइस यहाँ पे रुके हुए हैं अभी। गाइस हमारे छोले और भटूरे आने वाले हैं। ये रहे छोले भटूरे कुछ यहाँ पे जो कि हमें पड़ा है 150 का और इसको पीते हैं खाते हैं। तो गाइस इसको पहले टेस्ट करते हैं कैसा है, मैं आपको बताता हूँ टेस्ट करके। टेस्ट मस्त है, 150 वर्थ इट है पैसे के लिए। तो गाइस यही वो पॉइंट है जहाँ पर रुका हुआ है बस, और यहाँ पर नज़ारा देखो। रोहतांग पास यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है और इन प्लेसेस पे आके रुक सकते हैं और स्टे कर सकते हैं खाने पीने के लिए। ये हमारी बस। उस ढाबे पर गाइस मैंने खाया था लाल, आप लोग बाकी चीज़ें देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग 11,200 फीट की ऊंचाई पे हैं। फिलहाल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देख सकते हैं जो ये लिखा हुआ है ना, इस पे 11,200 फीट की ऊंचाई है और यहाँ से करीबन लगभग समझ लीजिए हम लोग 13,000 फीट रोहतांग पास 13,000 फीट पे है जहाँ पे स्नो पॉइंट है। हम लोग उस पोजीशन पे जाएंगे उस प्लेस पे। तो गाइस अभी स्नो पॉइंट तक ये बस जाएगी क्योंकि रोहतांग पास अभी पूरा ओपन नहीं हुआ है, अच्छे तरीके से ओपन नहीं किया गया है। फिलहाल यहाँ पे बस ये मारी जगह है जहाँ पे आप लोग खा पी सकते हैं, रिफ़्रेश हो सकते हैं, बाकी चीज़ें रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह के लिए ये प्लेस बहुत ही सही जगह है। यहाँ पे आप खाने के लिए थोड़ा कॉस्टली रहेगा, मान लीजिए अगर चॉकलेट पीस की है तो 30 में मिलेगी, चिप्स पीस की है तो 30 में मिलेगी। एज ऑल इसी टाइप की चीज़ें रहती हैं यहाँ पर। लंच स्नैक डिनर आप लोग कर ही सकते हैं दाल। और बस अभी चलते हैं, अभी आपको और चीज़ें दिखाऊँगा यहाँ पर कैसा है। मस्त प्लेस, जगह सबसे बेस्ट है गाइस यहाँ पर।
गाइस ये मेरी बस है जिस बस से हम लोग जा रहे हैं अभी। तो गाइस यहाँ रोहतांग पास के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से करीबन 30 से 40 किलोमीटर पूरी नीचे लग जाए। तो गाइस रोहतांग पास जाने के लिए इतनी तगड़ी लाइन लगी हुई है ना, बहुत ही तगड़ी लाइन, मतलब आप समझ लो कि अभी यहाँ से 15 किलोमीटर, लगभग 15 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है और पूरे यहाँ पे हमारे पीछे तक सारी कार आप लोग देख सकते हैं जा रही है ऐसे ही पूरे जाम लगते जा रहा है। और अभी मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ, जैसे आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं बहुत ही पीछे तक पूरा जितना देख रहे हैं पूरा दूर तक लाइन ही लाइन लगी पड़ी है। और उसके बाद बावजूद मतलब यहाँ पे इतनी भीड़ है और लोग आना जाना यहाँ पे सबका लगा पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेस गाइस, जाम और भीड़ देख सकते हैं कितना तगड़ा लगा हुआ है। और सुबह का मैं निकला हूँ 9 बजे का और अभी टाइम देखिए 4:15 रोहतांग पास में पहुँचे अभी तक। काफ़ी जाम, काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ है, लोग रुक रुक के स्नो में ऐसे खेल रहे हैं कुछ इस तरीके से। व्यू तो अच्छे हैं गाइस, काफ़ी मस्त है। बाकी चीज़ रखिए गाड़ियाँ मतलब आने जाने की काफ़ी लंबी लाइन है, बहुत जाम देखने को मिलेगा आपको। तो गाइज फाइनली यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे रोहतांग पॉइंट से थोड़ा सा नीचे ही है हम लोग, यहाँ पे रानी नाला है उसके ऊपर ही आए हैं अभी फ़िलहाल, यहीं तक का ही पीक पॉइंट ओपन है और यहाँ तक ही सारी बसेस आ रही हैं। आप पूरा देखिए माहौल पूरा ICIC है, ठंडा है और यहाँ पे थोड़ा सा लाइक जिनको सांस की प्रॉब्लम है वो लोग कभी ना आए यहाँ पे। और इस जगह पे गाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही हैं और काफ़ी मस्त, देखिए सांस फूलती है यहाँ पे धीरे धीरे, हमारी थोड़ी सांस ऊपर नीचे हो रही है तो मैनेज करते हैं। गाइज काफ़ी ज़्यादा ठंड है और ये देखिए बर्फ खुद मार रहा था ऐसे उठा के और ऊपर ही वो आ गया मेरे, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऊपर चलते हैं, यहाँ से स्लाइड टाइप का बना हुआ है पूरा, देखिए गाइस काफ़ी ज़्यादा स्नो पॉइंट, मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ेदार, मस्त, एक नंबर वाइब है, एक नंबर मतलब एक मज़ा आ गया। गाइस काफ़ी ज़्यादा चिल्ड है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ठंडक है और मेरे पैर सुन पड़ चुके हैं, मैंने अपने बूट्स निकाल दिए हैं और फिलहाल अभी यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ। और मतलब कि मौसम काफ़ी अच्छा है और वाइब काफ़ी मस्त आ रही है, मज़ा आ रहा है और बर्फ़ खूब है, शायद अभी किसी पुलिस के विजिट है तो यहाँ पे अभी वही चल रहा है। आप लोग देखिए इधर इस साइड में,
तो इसीलिए अब यहाँ पे हैं। पूरा आप देख सकते हैं, ये है स्नो पॉइंट जहाँ तक अभी गाड़ियाँ चल रही हैं। फिलहाल रोहतांग पास तक नहीं ले गए अभी ये लोग। फिलहाल जब तक है जितना है यहीं पे, आप देखिए काफ़ी मस्त है नज़ारा और देखिए सो ब्यूटीफुल। गाइज यहाँ पे रोहतांग पास पे आप लोग देख सकते हैं, जब ऊपर आए हम लोग कितनी ज़्यादा गंदगी पड़ी है, इतने सारे बॉटल्स। गाइज आप लोग जब भी यहाँ आते हैं ना, गाइज आप लोग जब भी इस जगह पे आते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें मत देखिए क्योंकि कूड़ा कचरा है गाइज अपने पास ही रखिए। कितना ही देर लगे, बस में रखिए, गाड़ी में रखिए, कहीं ना कहीं फेंक दीजिए। अगर आप लोग ऐसा काम करते हैं कि लाइक पीते हैं पानी फेंक दिया, खाया फेंक दिया, वो देखिए सिगरेट के डब्बे पड़े हुए हैं, तंबाकू के डब्बे पड़े हुए हैं। गाइज ये सब क्या चीज़ है? लाइक आप लोग सभी आते हैं, आप लोग इन्जॉय करने आते हैं दिल्ली, नोएडा, मुंबई, जितने भी मतलब हाई फाई सिटीज़ हैं, हैदराबाद हो गया, हर जगह गाइज वहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है सब, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है सारी चीज़ें। मतलब मैं किसी के लिए कमेंट नहीं कर रहा, बट एक बात कह रहा हूँ कि लाइक इतने ज़्यादा मतलब कि पीसफुल जगह पे आप यहाँ आते हैं, रोहतांग पास है, कहीं पे भी आते हैं, ये सब ग्रीनरी है, क्वीन ऑफ हिल्स है, मतलब इतनी मस्त जगह है। और ये जगह मतलब कि हमको ही साफ़ रखनी पड़ेगी गाइस। अगर आप लोग साफ़ रखेंगे तभी ये सब चीज़ें और अच्छे से चल सकती हैं। और ये सब चीज़ें अगर जितनी भी गंदगी होती है ना, आप लोग अपने पास रखिए, बाद में फेंक दीजिए, कहीं पर भी फेंक दीजिए, लेकिन डस्टबिन में जरूर डाला कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं होती है कि आप लोग कहीं पर भी डाल देते हैं ना। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा सभी लोग। ऐसे रोहतांग पास जितने भी लोग आ रहे हैं गाइस, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि लाइक धीरे धीरे पूरा ओपन हो रहा है। स्नो ज़्यादा है अभी भी, टेम्परेचर बहुत डाउन हो रखे हैं यहाँ पे, तो थोड़े से अपने गर्म कपड़े भी थोड़े थोड़े डाल के आइएगा ज़रूर। आप लोग हुडी वगैरह रख लीजिएगा, ऐसी जैकेट्स वगैरह। फ़िलहाल ओवरऑल जो मेरा मतलब कि एक्सपीरियंस रहा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। बस से आया था मैं, आपको मैं बता दूंगा पासेस वगैरह यहाँ पे, जैसे गाड़ी वाड़ी से आते तो पासेस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बस से आते हैं गाइस, आगे सीट फ्रंट सीट मिल गई, आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं कौन सी सीट आपको चाहिए, उनके वेबसाइट्स वगैरह लिंक मैं डाल दूंगा। और या फिर आप डायरेक्ट यहाँ मॉल रोड पर ही, यहाँ बस स्टैंड है, वहाँ पर जाकर डायरेक्ट टिकट भी ले सकते हैं। टाइमिंग 8 से 8:30 है, 9 है और 9:30, मतलब कि 3-4 बसें हैं जो कि आधे आधे घंटे के गैप में चलती हैं, तो वो बुक कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट रहता है। मतलब 500 का टिकट रहेगा, स्नो पॉइंट तक आप आओगे, यहाँ पे सब इन्जॉय करोगे और काफ़ी मज़ेदार रहेगी। तो वीडियो में गाइस अभी और भी चीज़ें रहती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल मैं रोहतांग पास का मैंने आपको इतना ओवरऑल सारी चीज़ें दिखा दी हैं, तो ओवरऑल आप लोग को मज़ा ही आया होगा आई होप। तो गाइस ये है रानी नाला, लेयर देख सकते हैं कितनी मोटी परत है। देखिए बर्फ, देखिए बर्फ, काफ़ी सुंदर बर्फ है, तो गंदगी के साथ गंदगी के बाद। गाइस नीचे आते समय इतना ज़्यादा ट्रैफिक, रात के 9 बजने आते हैं। पास आने दो, वो वहीं पे घुमाएगा अभी वो देखो।